धर्म स्नेही बंधु होटि जन्म तप तपे तप धूप ताप लो कहते हो ना ताप लो सर्दी बहुत हो रही है भाई चलो धूप में बैठ जाते हैं धूप ताप लो धूप ना हो रात है धूप नहीं है तो क्या तापते हो अग्नि तापते हो उससे क्या होता है सर्दी भाग जाती है है ना हाँ सर्दी भाग जाती है और गर्मी जो टेम्परेचर आपको चाहिए शरीर का वो मिल जाता है जब कभी दर्द होता है बोले सिकाई कर लो है ना सिकाई करने से क्या होता है दर्द भाग जाता है तो तपस्या तप तपस्या करने से क्या होता है कर में भाग जाते हैं क्या होता है कर में भाग जाते हैं तो क्या आप लोग तपस्या नहीं करते तब के बारह भेद बताए हैं अनशन यानी उपवास ऊनोदर यानी भूख से कम खाना व्रत परिसंख्यान यानी नियम लेके खाना ऐसा होगा तो आहार लूँगा नहीं होगा तो नहीं लूँगा रस परित्याग यानी एक एक रस छोड़ के खाना विविक्त सयासन अनेक आसन के माध्यम से आसन सिद्धि करना ध्यान के लिए और काय क्लेश यानी शरीर को कष्ट देना ये तप आप लोग करते कि नहीं करते उपवास करते कि नहीं जिस दिन गुस्सा आता है उस दिन नहीं खाना हमें खाना रख लो अपना खाना हम नहीं खाएंगे कहते हो कि नहीं कहते हो एक घंटा दो घंटा और कुछ तो ऐसे होते एक एक दो दो दिन तक नहीं खाते और वैसे भगवान महावीर कहते हैं कि अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करना चाहिए तो नहीं करेंगे लेकिन गुस्से में छोड़ सकते हैं जब घर में शादी होती है तो घर वाले कहते भाई खाना खा लो खाना खा लो अरे रुक जाओ अभी इतना काम और बकाया है अभी इतना काम कर लूँ फिर खा लूंगा पूरा पूरा दिन निकल जाता है और भोजन नहीं करते भूखे तो रहते हो मगर उपवास के लिए नहीं धर्म के लिए नहीं संसार के लिए है ऊनोदर करते हो कि नहीं करते हो ऊनोदर यानी भूख से कम खाना भूख है चार रोटी की तीन रोटी खाना पेट भर के नहीं खाना इसको कहते ऊनोदर तो ऊनोदर भी करते हो कैसे करते हो भाई कल पेपर है आज कम खाएंगे नहीं तो नींद ज़्यादा आएगी बोलिए हाँ या ना हैं हाँ मम्मी ज़्यादा मत परोसना मुझे ज़्यादा खा लूँगी तो फिर नींद आएगी फिर पढ़ाई नहीं होगी इसलिए कम ही खाना ऊन उधर किया लेकिन किस लिए संसार के लिए यही यदि आप आत्मा की तपस्या के लिए करोगे तो निर्जरा का कारण है और आप वैसे ही करते हो तो उसमें कोई निर्जरा होने वाली नहीं है फिर आप व्रत संख्यान करते कि नहीं करते जैसे महाराज जी हैं जब आहार लेने को निकलते हैं एक कलश की विधि है दो नारियल की विधि है पांच नारियल की विधि है यदि पांच नारियल विधि में मिलेंगे तो आहार लूँगा नहीं मिलेंगे तो नहीं लूंगा आप लोग ऐसा नियम लेते हो क्या आप दूसरे तरह से लेते बेटा आ जाए फिर खाना खा लेंगे बेटी स्कूल से आ जाए फिर खाना खा लेंगे वो आ जाए दुकान से फिर खाना खा लेंगे आपने भी नियम लिया लेकिन आपका नियम संसार का है और ये नियम निर्जरा का कारण तपस्या में आएगा वो तपस्या में नहीं आएगा रस परित्याग छह रस होते हैं है ना कौन कौन से हरी मीठा घी दूध नमक तेल दही है ना ये छह रस होते हैं तो छह रसों का त्याग करते हो क्या नहीं करते हो लेकिन जब शुगर हो जाए तो डायबिटीज हो जाए और फिर बीपी बीपी हो जाए तो घी छूट जाता है शुगर हो जाए तो चीनी छूट जाती है बीपी हाई हो जाए तो नमक छूट जाता है है ना ज़्यादा मोटे हो रहे हो तो चावल छूट जाते हैं आलू छूट जाते हैं है ना? यानी शरीर के लिए छोड़ सकते हो लेकिन भगवान महावीर कहते हैं कि रसों का त्याग करके भोजन लो तो आपको ऐसी बीमारी नहीं होगी कि छोड़ना पड़े यदि आप त्याग करके भोजन करते हैं तो वो तपस्या के अंतर्गत आएगा और शुगर होने के बाद छोड़ते हैं बीपी होने के बाद छोड़ते हैं तो वो तपस्या के अंतर्गत नहीं आएगा छोड़ते तो हो जो काम मुनिराज करते हैं सारे काम तुम करते हो लेकिन तुम करते हो संसार के लिए काय क्लेश रस परित्याग विविध सयासन अनेक आसन लगाना अब आप जो है एक्सरे करवाने गए उनका सांस रोको रोक लिए उनका सांस छोड़ो छोड़ दिए उनका हिलना नहीं नहीं हिलेंगे और वो करवाते ना क्या करवाते वो बड़ी वाली मशीन में एम आर आई है उसमें तो आधा पौन घंटे तक बिना हिले पड़े रहना पड़ता है है ना वहाँ आसन सिद्धि हो जाती है मगर यहाँ कहेंगे कि माला फेर रहे हो हिलना मत फिर नहीं फिर तो हिलेंगे इसको देखेंगे उसको देखेंगे ये हाथ यहाँ वो पाँव यहाँ माला भी चल रही है विचार भी चल रहे हैं ये भी चल रहा है सब घूमता रहता है है ना यानी शरीर के लिए आसन सिद्धि भी हो जाएगी मगर आत्मा के लिए आसन सिद्धि नहीं करते हैं और काय क्लेश काय यानी शरीर क्लेश यानी कष्ट देना क्लेश यानी कष्ट देना तो काया को कष्ट देते हो कि नहीं देते हो अरे बोलिए ना। बच्चे टाइट कपड़े पहनते कि नहीं पहनते चुभ रहे हैं अंदर से अंदर से ये हो रहा कान वा कान की चीज चुभ रही है नाक का चुभ रहा है गले में चुभ रहा फिर भी पहन के रखते हैं क्यों काय क्लेश हो रहा है क्या हो रहा है काय क्लेश हो रहा है कहीं शादी में गए हैं सर्दी का मौसम है अब कपड़े ऐसे पहने हैं कि गर्म कपड़े पहन नहीं सकते उसके ऊपर क्योंकि पहन लेंगे तो वो दिखेंगे ही नहीं इसलिए पल्लू पड़ा है कंधे पे, सब खुला है और ठंड सहन कर रहे हैं करते हो कि नहीं करते हो वहाँ मच्छर भी काटते हैं तो सहन करते हो कि नहीं करते तो बाग बगीचों में शादियाँ होती हैं आजकल और वहाँ मच्छर काटते हैं सहन करते हैं, नहीं करते और अभी तो यहाँ माला फेर रहे हो और एक मच्छर आ जाए माला में मन नहीं लगता भगवान में मन नहीं लगता पूजा में मन नहीं लगता यानी सर्दी गर्मी बरसात तुम सब सहन करते हो लेकिन किसके लिए संसार के लिए वो सब कर्म बंध का कारण है और जहाँ के लिए करना चाहिए वहाँ के लिए नहीं करते सुबह अभिषेक नहीं करते ठंड बहुत हो रही है कौन अभिषेक करे हम नहीं जा रहे अभिषेक में पूजा नहीं करते भाई आजकल पूजा नहीं कर पा रहे क्यों ठंड बहुत हो रही है ना आजकल गर्मी हो रही है घर दूर है इसलिए मंदिर भी नहीं जा पा रहे अभी और अपनी दुकान उतनी दूर होगी तो चले जाओगे दुकान में टिफिन देना होगा तो चले जाओगे लेकिन मंदिर है तो नहीं जाओगे यानी जितने काम अपनी आत्मा के लिए करना है वो हमें कष्टदायी लगते हैं जबकि वो तपस्या है और जो काम घर के लिए संसार के लिए मोह के लिए हैं वो काम भले ही कष्ट के हों मगर अच्छा लगता है बच्चे का जन्म होता है माँ बच्चे को नौ महीने गर्भ में रखती है क्या बिना कष्ट के हो जाता है कितनी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं कितना कष्ट सहन करना पड़ता है तब कहीं जाके बच्चे का जन्म होता है तो क्या वो बिना कष्ट का काम है संसार में क्या बिना कष्ट के रहते हो लेकिन लोग तपस्या को बड़ा कष्ट मानते हाय आप कैसे रह लेते हो एक टाइम आहार करके हाय आप इतना पैदल कैसे चल लेते हो हाय आप कैसे अरे तुम हाय कैसे कर लेते हो इतने सारे कष्ट सहन हमें तो पता है कि ये काम करने पर कर्मों की निर्जरा होगी कर्मों का नाश होगा आत्मा सुखी होगी मोक्ष मिलेगा हमें तो इस बात का ज्ञान है फिर हम कर लेते हैं वो तुम्हें इस बात का ज्ञान है कि इन सब कामों में पाप है दुख है पीड़ा है संताप है फिर भी सहन करते हो तुम कैसे सहन कर लेते हो अरे बोलिए ना तुम कैसे सहन कर लेते हो हमें तो आश्चर्य होता कि तुम कैसे सहन कर लेते हो तुम्हें आश्चर्य होता कि हम कैसे सहन करते हैं लेकिन हमें आश्चर्य होता है कि तुम कैसे सहन करते हो है? इसी तरह हम अंतरंग तपों को लें तो प्रायश्चित यानी जो गलतियां हमसे हुई हैं उसका प्रायश्चित करना पश्चाताप करना ये प्रायश्चित नाम का तप है इससे भी कर्मों की निर्जरा होती है आप लोग प्रायश्चित करते हो कि नहीं करते हो किसी पे एक बार गुस्सा आ गया उसने तो मैं अच्छी सुनाई दोबारा करोगे भैया अब की बार तो उससे बोलना नहीं मुझे वो कुछ करे मुझे कोई मतलब नहीं वो जाने उसका काम जाने उससे जरा सा बोलो वो इतना गुस्सा करता है प्रायश्चित तो किया मगर वो संसार के लिए विनय विनय करते हो कि नहीं करते हो विनय जानते हो ज्ञान विनय दर्शन विनय चारित्र विनय तप विनय ये चार तरह की विनय होती ज्ञान विनय यानी जिनवाणी की विनय करना ज्ञानियों की विनय करना दर्शन विनय सम्यक दर्शन जिन्होंने धारण किया है उनकी विनय करना हैं? चारित्र विनय जो चारित्र का पालन करते हैं उनकी विनय करना और तप विनय जो तपस्या करते हैं उनकी विनय करना ये चार तरह की विनय होती तो आप लोग करते हो कि नहीं करते हो क्या ना हाँ कर लेते हैं थोड़ी बहुत जब मौका मिल जाए तो कर लेते हैं और घर में आपके यहाँ यदि आपकी दुकान में वो आता ना इंस्पेक्टर चेक करने वाला विनय करते नहीं करते हैं अरे भाई साहब मालिक आप ही हो मालिक क्या कहते हो आप ही हो मालिक चाय मंगवाएं कॉफ़ी मंगवाएं बच्चों के लिए क्या देना है क्या गिफ्ट लाएं बच्चों के लिए आपकी भाभी जी के लिए क्या हम आ, क्या सोने की चैन ले आएँ क्या कितनी विनय करते हो और अंदर से ये और कहां से यमराज आ गया हैं ऐसा लगता नहीं लगता है टीचर की विनय करते हो टीचर डांटती है तो बड़ा गुस्सा आता है फिर भी टीचर को गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करना पड़ता नहीं करना पड़ता है और अंदर से क्या आ रहा है गुस्सा आ रहा है, है? तो कहने का मतलब ये है तुम विनय तो करते हो लेकिन तुम्हारी विनय में अंदर के भाव अलग होते हैं और ऊपर अलग होता है लेकिन जो धार्मिक में यथा योग देव शास्त्र को गुरु की विनय करता है उससे कर्मों की निर्जरा होती है आपस में जय जन करना है बड़ों के पैर छूना जैसे कि आपके घर में सास है सबसे अच्छा उदाहरण सास का ले लूँ है ना? सास है अब आपकी सासू जी मंदिर जाती कि नहीं जाती जाती हैं पूजा करती कि नहीं करती करती हैं अच्छा माला फेरती कि नहीं फेरती फेरती हैं स्वाध्याय करती कि नहीं करती वो भी करती हैं तो आपकी सासू धर्मात्मा है कि नहीं है अरे बोलिए ना धर्मात्मा है अब यदि आप अपनी सासू की विनय करती हो तो उसमें भी आपकी कर्मों की निर्जरा है ये बड़े रहस्य की बात बता रही हूँ कि घर के अंदर रहकर भी कर्मों की निर्जरा कैसे करी जाए यदि आप अपनी सासू को प्यार से अच्छे से भोजन कराती हैं तो वो भी आपकी कर्मों की निर्जरा में कारण बनेगा उसको आप अन्यथा मत लेना क्योंकि धर्मात्मा की विनय करना यानी धर्म की विनय करना कोई धर्म नाम की चीज़ अलग से तो है नहीं कि कोई अलग से कोई एक डिब्बा में कोई धर्म नाम की चीज रखी रहती हो और हम उसके हाथ जोड़ लें तो धर्म नाम की कोई चीज तो है नहीं धर्म कहाँ रहता है धर्म में रहता है धर्मात्मा के अंदर और आपने यदि धर्मात्मा की विनय करी है तो वो आपने धर्म की विनय करी है आपने सास की विनाय नहीं करी है आपने सास को जज नहीं किया है सास जो धर्म करती है आपने उसकी विनाय करी है यह आपका पड़ोसी है यह आपका समाज वाला है यह चाहे कोई भी हो यदि आप धर्म की सेवा करना चाहते हो तो धर्मात्मा की सेवा करना शुरू कर दो धर्म की सेवा अपने आप हो जाएगी आप साधु संत यहां पर आते हैं तो लेने गए ना आप। आपको अंदर से प्रसन्नता हुई आपको अंदर से खुशी हुई अभी मैं आके बैठी तो एक बहन जी पाँव खींचने लगी लाओ माता जी पैर दबा दें मैंने कहा रुक जाओ तो रुक गई दोबारा एक मिनट बाद लाओ माता जी पैर दबा दें मैंने कहा अभी चल के आए हैं अभी रुक जाओ आराम से दोपहर में कर लेना तो ये क्या है विनय विनय भी हो गई और वैयावृत्ति भी हो गई वैयावृत्ति प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति यानी वैयावृत्ति भी तप है और विनय भी तप है यदि मान लो दो भाई हैं और आपकी सास जो है दूसरे भाई के यहाँ चली गई तो आप यदि फोन करती हैं सास को और उनसे अच्छे प्यार से बात करती हैं तो दूर रहकर भी आपने कर्म की निर्जरा कर ली और नहीं तो आप गई हैं तो जाने दो जब उनका फ़ोन आएगा तब देखेंगे हमें पता है फ़ोन तभी आएगा जब उन्हें आना होगा मतलब ऐसा लगता है भार लगता है भार अब तुम भार मान के करो तो भी करना है और यदि प्रसन्न होकर करो तो भी करना है प्रसन्न होकर करती हो तो कर्मों की निर्जरा है और भार मान के करती हो तो पाप कर्म का बंध है और केवल भावों का अंतर है कुछ नहीं करना है केवल भाव चेंज करने है चाहे जेठानी के प्रति हो चाहे देवरानी के प्रति हो चाहे पति के प्रति हो चाहे ससुर के पति हो प्रति हो चाहे अपने बच्चों के प्रति हो केवल भाव चेंज करने कुछ भी नहीं करना है कि आप जानते कि ये धर्मात्मा है तो इसकी विनय हमें करनी चाहिए और इसकी विनय करने से उसको क्या हो रहा है वो बाद की बात है पहले मुझे क्या हो रहा है मुझे क्या मिल रहा है मुझे क्या लाभ है वो पहले देखो बात समझ में आई कि नहीं आई अरे बोलिए ना कोटि जन्म तप तपे ज्ञान कर में झरे जे अब पति कह रहा है कि मेरी माँ की को ठीक से रखना नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो रहा एक तो तुम इसलिए रख रही हो कि ये नाराज होते हैं एक कारण ये है भाई कर नहीं पड़ेगा हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे इनका एक ही तो लड़का है अब सास को घर से तो निकाल नहीं सकते हैं करना तो हम ही को पड़ेगा एक तो इस भाव से करना और एक इस भाव से करना कि मेरे द्वारा एक जीव की सेवा हो रही है कम से कम मुझे सेवा का सौभाग्य मिल रहा है वरना इस शरीर का होना क्या है इस शरीर का एक मुठ्ठी राखी तो होना है जल करके राखी हो तो होना है इसका इसको कहाँ बचा के ले जाऊंगी कम से कम मेरी सास घर में है तो मुझे सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है इस बहाने उनके पांव दब जाते हैं रोज साधु संत तो आते नहीं हैं तो उनके पैर दबा सकूं कम से कम मेरी सास है तो मैं इनके ही पैर दबा लूं भाव देखो एक भाव ये भी हैं और एक भाव वो भी है जब कभी बहू बीमार पड़ती है तो सास कहती है ला बेटा तेरे पैर मैं दबा दूँ क्यों बहू ने सास के पैर दबाए हैं अब वक्त आया है बहू का तो बहू के लिए सास तैयार तू मेरी इतनी सेवा करती है तो मैं तेरी नहीं करूँगी क्या तुम मुझे खाना खिलाती है तो क्या मैं तुझे नहीं खिलाऊंगी क्या अरे बोलिए ना हैं यदि हम सास के प्रति अच्छे भाव रखेंगे तो वो हमारे प्रति अच्छे भाव रखेगी और बड़ों की दुआ मिले इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है वो तुम्हें पैसा नहीं दे सकते हैं वो तुम्हें कुछ और नहीं दे सकते हैं मगर तुम्हें दुआ तो और जो काम दवा से नहीं होता है वो दुआ से हो जाता है इसलिए आशीर्वाद लेना सीखो घर में रहकर की क्योंकि विनय भी तपस्या है और वैयावृत्ति भी तपस्या है भगवान महावीर ने देखो कितनी बड़ी बात कही है कितने बड़े रहस्य का उद्घाटन किया है कितने बड़े रहस्य को खोला है कि सेवा करना तपस्या है तपसा निर्जरा कहाँ लिखा है तत्वार्थ सूत्र के नौवे अध्याय में तपसा निर्जरा सूत्र आया कि नहीं आया तपस्या करने से कर्मों की पाप कर्मों की निर्जरा होती है और पुण्य कर्मों का बंद होता है आज घर में जो लोग परेशान हैं क्यों परेशान हैं क्यों परेशान है बस एक ही कारण है कि बहू अपने अहंकार में फूली बैठी है और जब बहू अपने अहंकार में है तो सास अपने अहंकार में है दोनों अपने अपने अहंकार में हैं तो अहंकार से पाप कर्म का बंध होता है दिमाग में तनाव होता है डिप्रेशन की बीमारी होती है और सारे घर में दुख फैल जाता है और यदि विनय की भावना रहे तो सारे घर में सुख ही सुख रहे और इतनी दवाइयां खाने की जरूरत भी ना पड़े क्योंकि प्रसन्नता एक ऐसी चीज है कि प्रसन्नता से वी ठीक रहता है मन खुश रहता है वातावरण अच्छा रहता है जीने का भाव करता है और अपना जीवन और परिवार में जितने लोग हैं सबको अच्छा लगता है और जब घर में लोग प्रसन्न रहते हैं तो फिर मंदिर जाते हैं तो पूजा करने में भी मन लगता है माला फेरने में भी मन लगता है स्वाध्याय करने में भी मन लगता है और घर में टेंशन हो तो ना पूजा में मन लगता है ना माला में मन लगता है ना स्वाध्याय की इच्छा होती है तो जिसके घर में शांति है उसके घर में धर्म है और जिसके घर में शांति नहीं है उसके घर में धर्म नहीं है और शांति कहां से आएगी विनय और वैयावृत्ति की भावना से आएगी जेठानी को जरूरत है देवरानी सेवा करे देवरानी को जरूरत है जेठानी सेवा करे भाई भाई के काम आए पिता पुत्र के काम आए पुत्र पिता के काम आए परस्पर ग्रहो जीवा नाम क्या जीव द्रव्य का क्या है एक दूसरे का उपकार करना क्या है एक दूसरे का उपकार करना और तुम अपने घर वालों पर उपकार नहीं कर पाए तो तुम बाहर वालों पर क्या करोगे तुम अपनी सास के पैर नहीं दबा पाए तुम साधु संतों की क्या सेवा करोगे तुम अपनी सास को अच्छे से रोटी नहीं खिला पाते हो तुम चौका क्या लगाओगे इसीलिए तो तुम्हारे चौंका लगाने के भाव नहीं होते हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर खिलाने की भावना खत्म हो चुकी है जब तुम अपनी सास को नहीं खिला पा रही हो तो तुम साधु संतों को क्या आहार करवाओगी यही कारण है कि आज घरों में चौंके नहीं लग रहे हैं क्योंकि अहंकार ज्यादा आ गया है बस सजने धजने सवरने का ज्यादा ट्रैक चल गया है कि अच्छे कपड़े पहन लो ऐसे कपड़े पहन लो ये बिंदी लगा लो वो क्रीम लगा लो वो पाउडर लगा लो ऐसे बाल बना लो ऐसी साड़ी पहन लो वो सूट पहन लो वो घाघरा पहन लो बस इसमें ही दिमाग लगा रहता है जहाँ लगना चाहिए वहाँ दिमाग नहीं लगता है इसलिए आज चौंके लगने घर में बंद हो गए भाव नहीं रहते आहार देने के क्योंकि खिलाने की भावना बहुत बड़ी भावना है खाने की भावना तो पशुओं में भी होती है खिलाने की भावना पशुओं में नहीं होती है बोलिए हाँ या ना है पशु पक्षी आहार दान दे सकते हैं खिलाने की भावना कर सकते हैं यदि भावना हो तो कर भी नहीं सकते हैं लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि खाता भी है और खिलाता भी है यदि तुम्हारे अंदर खिलाने की भावना खत्म हो गई है इसका मतलब तुम्हारी गिनती इंसान में नहीं है किसमें हैं इसलिए पशुओं के चार पैर हैं दो हाथ नहीं है मनुष्यों को दो हाथ मिले हैं ये केवल खाने को नहीं मिले हैं ये खिलाने को भी मिले हैं यदि इन हाथों का उपयोग अच्छे काम में नहीं किया तो ये हाथ अगले जन्म में पांव बन जाएंगे यानी यानी पशु गति में पहुंच जाओगे यदि मनुष्य हो तो मनुष्य जैसे काम भी करो इन हाथों से अभिषेक करो इन हाथों से पूजा करो इन हाथों से किसी के पैर दबाओ इन हाथों से भोजन कराओ इन हाथों से वैयावृत्ति करो इन हाथों से अच्छे काम करो तो तो अगले जन्म में हाथ फिर से मिल जाएंगे और नहीं तो अगले जन्म में ये हाथ पाँव बन जाएंगे और अभी अहंकार में सिर उठा के चलते हो किसी को कुछ नहीं समझते हो तो जब ये हाथ पाँव बन जाएंगे तो सिर झुक जाएगा गाय बैल को देखा आपने हैं? कुत्ते को देखा गधे को देखा घोड़े को देखा उनकी गर्दन कहाँ रहती ऐसी रहती है या झुकी हुई रहती है कर्म झुका देगा तुम्हें यदि तुम नहीं झुकोगे तो कर में तुम्हें झुका देगा अभी तुम हिलाते हो गर्दन की हम किसी के सामने नहीं झुकने वाले फिर तुम गर्दन हिला हिला के चलोगे सबको सबको ही नमस्कार करोगे जितने सामने सबके ही सामने सिर झुका ही रहेगा उठेगा ही नहीं खूब उठाया था ना अब झुक गया है और तुम तो यदि इस जन्म में ऐसे रहोगे तो अगले जन्म में ऐसे रहोगे तो तप में एक विनय तप और एक वैयावृत्ति तप यदि हम कह रहे उपवास ज्यादा नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं है आप रस परित्याग नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं है आप ज्यादा खूब ज्यादा स्वाध्याय भी नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं है लेकिन दो चीज अपने साथ रखना तो आपका जीवन संवर जाएगा एक विनय और एक वैयावृत्ति विनय महाधारे जो प्राणी शिव वनिता की सखी बखानी और वैयावृत्ति की क्या लाइनें आती हैं निषदिन वैया व्रत करैया निश्चय भवन नीर तरैया कि विनय धारण करोगे तो भी मोक्ष पहुंच जाओगे और वैयावृत्ति करोगे तो भी मोक्ष पहुंच जाओगे कभी आलस मत करना कि गर्मी है कि सर्दी है कि क्या है इस शरीर का होना क्या है कल रास्ते में चल रहे थे तो पीछे कुछ महिलाएं चल रही थी छोटे बच्चे भी चल रहे थे करीब पाँच सात साल की एक लड़की चल रही थी तो उसमें से एक बोली गाड़ी में बैठ जा थक जाएगी क्या बोली उस बच्ची को गाड़ी में बिठाने के लिए कह रही है तू तो चल रही है चार किलोमीटर चलना है, थक जाएगी मतलब उस बच्चे के अंदर यह संस्कार नहीं डाल रहे कि बेटा चल ये संस्कार डाल रहे तू तो थक जाएगी बैठ जा गाड़ी में अरे थक जाएंगे तो सो जाएंगे थक जाएंगे तो आराम कर लेंगे लेकिन यह क्या मतलब हुआ कि बैठ जा गाड़ी में चल चल मत तू और प्रेरणा दो कि थकने से मत डरो जो व्यक्ति थकने से डरता है ना वो अपने जीवन में कभी कोई काम नहीं कर सकता थकने से बिल्कुल मत डरो रात किस लिए है अरे बोलिए ना आराम करने के लिए और दिन किस लिए है काम करने के लिए और काम करने में थकेंगे नहीं तो नींद कैसे आएगी लोगों को अनिद्रा की बीमारी होती है नींद नहीं आती है, है ना क्यों नहीं आती है बटन दबाओ तो पानी बटन दबाओ तो गैस बटन दबाओ तो कपड़े मेहनत कहाँ करी तुमने अब नींद कहाँ से आए तो थकने से मन डरो, जितना काम इस शरीर से हो सकता है खूब करो अपने देवरानी के बदले का भी जिठानी कर ले जिठानी के बदले का देवरानी कर ले आपस में लड़ो मत जिसको मौका मिले वो ही काम कर लो क्योंकि काम करने से शरीर मजबूत होता है मन प्रसन्न रहता है और जीवन अच्छा बनता है और लोगों के द्वारा तुम्हारी कीमत होती है भाई ये, ये आलसी नहीं है इससे इसको दे दो ये काम ये जरूर कर लेगी और जो आलसी होता है भाई इसको मत दो पता नहीं ये करेगी कि नहीं करेगी इस पर भरोसा नहीं है काम करने वालों पर सबको भरोसा होता है और काम चोरों पर किसी को भरोसा नहीं होता है इसलिए खूब मेहनती बनो ये मोबाइल वोबाइल छोड़ो ये तो दिमाग खराब करने वाली चीज है यदि करना है तो मेहनत के काम करो अरे बोलिए ना तो आज से मेहनत के काम करोगी अरे बोलिए ना अपने सास को अच्छे से रोटी खिलाओगी कौन कौन खिलाएगा हाथ उठा कर बताओ अच्छे से अच्छे से उठा के बताओ कि भाव सहित खिलाएंगे हाथ उठाइए जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें चलिए अब आ, आप लोग भी देवरी वाले भी हाथ उठा लें अब देखो बाहर वाले सुन रहे हैं उठाइए उठाइए अपने सास को परिवार को अच्छे से भोजन कराएंगे अच्छे से हाथ उठाओ निर्जरा का कारण बनेगा पुण्य का कारण बनेगा आपके घर में सांस नहीं है आपके घर में सांस नहीं है अच्छा इसलिए आपने हाँ... सास है तो सही है ही नहीं है अच्छा इसलिए हाथ नहीं उठाया चलो कोई बात नहीं जो भी आपके घर में हो आप सबको प्यार से भोजन कराना इतना हो सक ये नियम ले सकते हो चाहे बच्चे हो चाहे कोई भी ब... सबको प्यार से भोजन कराना अच्छे से हाथ उठाओ आप हाथ उठाओ नहीं गुस्सा नहीं करना प्यार से खिलाना प्यार से खिलाया हुआ भोजन अमृत का काम करता है है ना चलिए मैं तीन चीजें बोलूंगी आपको कहना बड़ा ही महत्व है करने में जप का करने में जप का बसी में कप का और जीवन में तप का सोचने में मन का आत्मा को रहने के लिए तन का और करने में अनशन का भोजन के लिए उदर का शहरों में सदर का और तपस्या करने में ऊनोदर का आगम में नय का मनुष्यों में वय का और करने में भगवान की विनय का सबकी विनय का सतियों में सीता सती का सुधरने में मती का और करने में वैयावृत्ति का अनाज में दाने का इनाम में पाने का और सबको प्यार से भोजन कराने का स्वर्ग में परी का भोजन में बरी का और आने वालों में देवरी का रिश्तों में नाना का पुरजों में पाना का और आने वालों में कस्बा थाना का भोजन में बड़ा का गर्मी में घड़ा का और आने वालों में केलवाड़ा का और कहाँ के हैं सब देवरी के चलिए आप शब्द बोलिए मैं महत्व बता दूंगी शब्द नहीं है आपके पास में चौका का नदी में नौका का मिलने में मौका का और लगाने में चौका का और बताइए पूजन का सलाइयों में सूजा का मिठाइयों में गूजा का करने में भगवान की पूजा का आत्मा में एक का मनुष्य में नेक का करने में भगवान की अभिषेक का माताजी ने जिस भावना से जिस इच्छा से बनाया और वो साक्षात रूप में उतर करके आया है जहाजपुर में जहाजपुर की परिकल्पना जो माताजी ने की वो साक्षात रूप में यहाँ पर प्रस्तुत हुई है ये आज के दिन में इस समय में बनने वाले सर्वोत्तम मंदिर में से एक है जहाँ आकर बहुत ही मन को शांति मिलती है मैं तो माता जी के आशीर्वाद से जयपुर से साइकिल में चल करके एक दिन में यहाँ जहाजपुर आया था और यह महाराज ये के आशीर्वाद था मुश्वर भगवान के ही प्रताप था कि मैं सकुशल जयपुर से जहाजपुर साइकिल आ पाया मैं फिर से भावना भाता हूँ कि इस बार बहुत बड़े संघ को लेकर के साइकिल वापस से जहाजपुर में जय जिनेंद्र मैं आज सुबह सुबह सोच रहा था कि इतने बड़े विशाल मंदिर में एक पत्थर भी ठोकने वाला कोई भी श्रमिक जो भी पैसा पाया है सब सस्तीमती माता जी की तरफ से ही उनका घर चला व्यवहार चला और साथ में उसका परिवार चला इसीलिए इस भक्ति भावना के साथ इतने बड़े मंदिर को मैं श्रद्धाएँ नमस्कार करता हूँ हमेशा सरस्तीमती माता जी को प्रणाम करता हूँ नमोस्तों मकीी थाल को सजाओ रे आज रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ रे गुणगान आरती भगवन की आओ आओ गुण गुणगान आरती भगवन की आओ आओ गुण गुणगान पीता सुमित्र के राज दुलारे